मॉर्निंग गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। करवा चौथ की सबको तैयारी होगी करवा चौथ मनाने की, बट अच्छी बात है, मनाइए आप लोग। और सबसे अच्छा पर्व भी है। और अपने अपने हस्बैंड से गिफ्ट भी लीजिए, बहुत महंगे महंगे वाले गिफ्ट, क्योंकि देखो ये तो करवा चौथ का व्रत ही यही सब लिए होता है, क्योंकि हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए तो गिफ्ट देना ही चाहिए। देखो इसमें कंजूसी मत करिए आप लोग भी। हम अपने भी सब्सक्राइबर को कहेंगे, देखो जो लेडीज है वो अपने जेंट्स से मांगे, और जो जेंट्स है अपने वाइफ को पक्का से गिफ्ट दीजिए, क्योंकि देखो ये फर्ज बनता है। क्योंकि देखो सारा दिन से वो फास्टिंग करेगी, और आपके लिए वो भी एक दिन के लिए तो प्यार दिखाएगी, क्योंकि हमेशा तो लड़ाई होती है। क्योंकि हमारे भी थे तो हम लोग लड़ते ही रहते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो हस्बैंड वाइफ में तो लोग झोंक रहता है, बट वो प्यार की बात है, कोई नहीं समझ सकता। लेकिन हाँ, आप लोग प्लीज़ अपने वाइफ के लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट करवा चौथ पे जरूर गिफ्ट करिए। ये तो हम बोलेंगे प्यार से यार, एक तो आप कुछ भी खरीद के दे दो, ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड ही दो, प्यार से कुछ भी दे दोगे तो वाइफ है मानेगी, और आप लोग का करवा चौथ भी अच्छे से मना देगी। क्योंकि अगर वाइफ दिन भर व्रत रहेगी और आप लोग कुछ नहीं दोगे, खाली हाथ जाओगे, तो वो तो गुस्सा करेगी, उसका भाई हक भी है। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग प्लीज़ अपनी वाइफ के लिए कुछ मत, कुछ नहीं दे सक रहे हो तो क्या, एक तो साड़ी ही गिफ्ट कर दो। साड़ी नहीं दे सक रहे हो तो कुछ भी एक अच्छा सा कोई गिफ्ट पैक कराओ और ले जाके वाइफ को दे दो। देखो बहुत अच्छी खुश भी रहेगी, और आप लोग का करवा चौथ इतना अच्छे से मनाएगी। और हम यही चाहते हैं कि आप लोग में प्यार बना रहे। करवा चौथ का ही व्रत इसीलिए रखा जाता है क्योंकि उसमें प्यार का ही रहता है। क्योंकि पति पत्नी को भगवान से यही दुआ करिए, अपने पति के हम लंबी उम्र के लिए रख रहे हैं, तो मेरे पति का लंबी उम्र हो, साथ में हम उनके साथ रहें, और हमारा दोनों का प्यार हमेशा बना रहे, इसलिए इंसान करवा चौथ का व्रत करता है। और करवा चौथ का व्रत तो इसीलिए सुहागन औरतें करती हैं, क्योंकि सुहाग के तो चीज़ें हैं, तो सुहाग का तो महत्व इसमें बहुत ज़्यादा है। और आप लोग प्लीज़ इसको नज़रअंदाज मत करो ये व्रत। अगर एक वाइफ सारा दिन भूखी प्यासी रहेगी तो आप लोग प्लीज़ उसका सपोर्ट करो, उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट ले जाओ, उसको सारा दिन कामों में हेल्प करो। अगर आप लोग ऑफिस जाते हो, ऑफिस को छुट्टी लेके घर पे रहो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा उसको, प्यार से हर कुछ प्यार से करोगे तो अच्छी लगेगी, और सारी चीज़ें मानेगी भी वो। तो हमारा तो बस यही कहने का मतलब है, आप लोग अगर करवा चौथ आपकी वाइफ कर रही है तो प्लीज़ उसके साथ आप सारा दिन छुट्टी ले लो ऑफिस का, घर पे रहो, सपोर्ट करो और साथ साथ उसके रहो, और बढ़िया लगेगा, उसको भी बहुत खुशी मिलेगी कि मेरे पति मेरे लिए लंबी छुट्टी लिए हैं और सब कुछ बढ़िया किए हैं, सब कुछ अच्छा ही रहेगा। हम यही चाहते हैं आप लोग प्लीज़ अपनी वाइफ का सपोर्ट करो, और वाइफ के साथ साथ उसके साथ अपना हेल्प भी बटाओ। हम तो बस यही कहेंगे, और प्लीज़ आप लोग उसके लिए एक गिफ्ट ज़रूर कर देना, क्योंकि गिफ्ट अगर आप लोग दिल से दोगे ना तो सच में वो बहुत खुश होगी। वो खुश होगी तो आप लोग का करवा चौथ भगवान जी भी अच्छा ही मना देंगे, क्योंकि करवा चौथ का व्रत ही क्या कि जो पति पत्नी खुश ना रहे। अगर लड़ाई हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं रखा यार, खुश रहोगे, एक दूसरे को शेयर करोगे, बातचीत करोगे तो हम, और हम अपने सब्सक्राइब लोग को यही कहेंगे, मेरे यूट्यूब फैमिली को हम यही कहेंगे कि आप लोग प्लीज़ अपने सपोर्ट करिए, अपने वाइफ के सपोर्ट करिए, और मेरा अभी बात जरूर रख लीजिएगा, एक छोटा सा गिफ्ट अपने वाइफ को जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग करोगे तो आपकी वाइफ खुश रहेगी, और आपकी वाइफ खुश रहेगी तो भगवान जी आप लोगों को कभी कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं लाएंगे, और खुश भी रहोगे। आप लोग यूट्यूब फैमिली मेरी जितनी भी है, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, आप लोग सब, आप लोग अपनी वाइफ, जो हस्बैंड हैं, जो लेडीज़ हैं वो जेंट्स को करें, जेंट्स हैं लेडीज़ को करें, बट आप लोग सब करिए एक दूसरे को। ये नहीं है कि जेंट्स के लिए हमें करूँ, कि आप लोग भी का सपोर्ट रहना चाहिए अपने हस्बैंड के ऊपर। वो लोग भी बेचारा सारा दिन ऑफिस का काम करते हैं, घर पे थके आते हैं, तो आप लोग प्लीज़ लड़ाई मत किया करिए। क्योंकि देखो हम लोग तो हैं चार दीवारी के अंदर, हम लोग के पास कोई काम नहीं रहता, बट वो लोग बाहर बहुत लोग को फेस करते हैं, बहुत फेस करते हैं, तो बाहर के लोग अगर फेस करेंगे तो घर पे आएंगे तो थोड़ा सा उखड़ेंगे ही ना।
जब उखड़ेंगे तो फिर बुरा ही लगेगा, इसलिए तो आपको हम बोलते हैं कि प्लीज़ आप लोग इतना बुरा मत करिएगा अपने वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ आप लोग सपोर्ट में रहिए और लड़िए मत, बिल्कुल मत, खुश रहिए, खुश अपने हस्बैंड को भी रखिए, हम यही कहेंगे। और दो करवा चौथ का इसीलिए व्रत किया जाता है कि एक दूसरे को इंसान टाइम दे सके और टाइम से रह सके, बस और कुछ नहीं है। बाकी आप लोग का जैसा मर्जी वैसे करिए, और गिफ्ट ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि गिफ्ट वाइफ का अधिकार है। आप लोग प्लीज़ अपने भाई अपने हस्बैंड के लिए भी आप व्रत कर रहे हो तो अच्छे से उनको प्यार से रहो, प्यार करो, बस और कुछ नहीं कहेंगे। बाकी आप लोग करवा चौथ अच्छे से मनाओ और हमारा ये दुआ रहेगा। हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।